4.3 का बच्चों टॉपिक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकती। सवाल भी इतने कम है, एक जैसे सवाल है, बहुत बच्चों वाली एक्सरसाइज है। कितना टाइम है? इंशाल्लाह ये कंप्लीट भी हो जाएगी 50 मिनट के अंदर। बहुत इजी टॉपिक है ये। अरिथमेटिक मीन सुनने में आपको थोड़ा लग रहा है, पता नहीं क्या होता है ये वही है जो बचपन में आप लोग एवरेज निकालते थे, अगर आप लोगों को याद हो उसको आप एवरेज भी बोलते थे, उसको आप मीन भी बोलते थे, अरिथमेटिक मीन भी आप बोल सकते हो। तो ये अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका अगर आप लोगों को याद हो तो हम क्या करते थे, एवरेज बिल्कुल, अगर दो नंबर्स आपके पास मौजूद है मैं बोलूँ एवरेज निकालो, तो आप क्या करते थे, उनको ऐड करते थे और डिवाइड बाय टू कर दिया करते थे। यही कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? कि दो सिचुएशन है यहाँ पे। सबसे पहली सिचुएशन क्या बोली हुई है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी तीन नंबर एपी के अंदर है, सबसे पहले तीन नंबर की बात की जा रही है, फिर आपकी जनरलाइज बात की जाएगी कि 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, कितने भी नंबर हो। तो दो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अगर तीन नंबर आपके एपी के अंदर है, तो अगर तीन नंबर एपी के अंदर है देन बी इज अरिथमेटिक मीन। एम का मतलब, हाँ, जो दरमियान वाला नंबर होगा वो क्या कहलाया जाएगा, अरिथमेटिक मीन कहलाया जाएगा। क्या मतलब, इसकी सेंस क्या है? इसकी सेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी तीन नंबर लेट करो। अब अगर आप देखो ये तीन नंबर जो है ये एपी के अंदर है, सब एग्री करते हैं भाई ये तीन नंबर जो है वो एपी के अंदर है। अगर आप देखो तो दरमियान वाली टर्म है 9, वो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है। कैसे? आप 2 और 16 का अरिथमेटिक मीन निकालो, ये पूरा जुमला लिख देना कि बी जो है वो अरिथमेटिक मीन है ए एंड सी का, या आप इस तरह भी लिख सकते हो बिटवीन ए एंड सी, ये वाली वर्डिंग भी यूज होती है। तो जो बाकी दो नंबर अगर उनका एवरेज निकालो, 2 और 16 को ऐड करो क्या आएगा, 18, 18 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो जब भी तीन नंबर एपी के अंदर होते हैं ना, तो दरमियान वाला नंबर एवरेज होता है, जिसको आप अरिथमेटिक मीन भी कहते हो, और आपने ऑब्जर्व भी कर लिया कि वो बात सेटिस्फाई हो रही है। कोई भी तीन नंबर आप एपी में लेट कर लो, दरमियान वाला नंबर जो है वो एवरेज होगा, अरिथमेटिक मीन होगा हमेशा। ठीक है, तो सवाल ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप, अब सवाल ना दो तरीके से आ सकता है, ये वाला तरीका तो नहीं आएगा कि आपको तीन नंबर दे दिए जाए और आप प्रूफ करोगे दरमियान वाला नंबर अरिथमेटिक मीन है, तो ये प्रूफ करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, दो नंबर को आपने ऐड किया और डिवाइड बाय टू कर दिया। पेपर में जो सवाल आता है ना, वो ये होता है कि आपको कोई भी दो नंबर दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि इन दो नंबर की अरिथमेटिक मीन निकालो, इस तरीके से सवाल पूछते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल वो आपको दे देंगे कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 16, इस तरह सवाल दे देंगे आपको कि अरिथमेटिक मीन निकालो बिटवीन 2 एंड 16। अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मली अगर आपको मैं बोलूंगा ना एवरेज निकालो, तो मैं बोलूंगा एवरेज निकालो 2 एंड 16 का, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एवरेज नहीं निकालते, आप अरिथमेटिक सीक्वेंस का भी पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो बिटवीन का मतलब ये होता है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो 2 और 16 के दरमियान ही होगी ना, अगर आप उसकी एपी बनाओगे तो वो दो नंबर के दरमियान आएगी। दैट्स वाई वर्डिंग यूज होती है कि आप अरिथमेटिक मीन निकालो बिटवीन 2 एंड 16, मतलब 2 और 16 के दरमियान जो टर्म है जो कि अरिथमेटिक मीन होगी वो आप निकालो यहाँ पे क्या है। या एक और वर्डिंग होती है, इसको बोलते हैं इंसर्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 16। तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि इंसर्ट करो अरिथमेटिक मीन 2 और 16 के दरमियान। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप लोग प्रूफ कर सकते हो, अगर मैं जनरलाइज लैंग्वेज में बात करूं तो फॉर्मूला होगा दो भी दो टर्म लिखी हुई है, दो नंबर लिखे हुए हैं, उनको आप ऐड करो और डिवाइड बाय टू कर दो, इस तरीके से आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे। तो अगर आपको बोला जाए 2 और 16 का अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप क्या करोगे, 2 और 16 को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय टू करोगे, आंसर आपके पास 9 आ जाएगा। जनरलाइज लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ, अगर बुक में आप देखो ना तो ये लिखा हुआ होता है कि तीन नंबर जो है ना उन्होंने ये लेट किए होते हैं, इफ ए कैपिटल ए और बी आर इन एपी। क्यों? जो कैपिटल ए है ना वो अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई उन्होंने ये वाले सिंबल यूज किया है कि ए कैपिटल ए और बी, वही कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि तीन नंबर अगर एपी के अंदर हो तो जो दरमियान वाला नंबर है मतलब कैपिटल ए वो क्या कराया जाएगा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। बुक ने ये वाली नोटेशन यूज की हुई है, तो इसके मुताबिक जो आपकी अरिथमेटिक मीन आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन। ठीक है, तो ये बुक की नोटेशन फॉलो कर लो तो सही है, कैपिटल ए से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो मैंने बताया सवाल किस तरह आएगा, आपको बोलेंगे या तो अरिथमेटिक मीन निकालो बिटवीन 2 एंड 16, या आपको बोलेंगे इंसर्ट करो एक अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 16, इस तरीके से इसका सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल क्या होगा कि अब आपको जैसे इसमें तो आप एक अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो ना 2 और 16 की, अब आपको ज्यादा अरिथमेटिक मीन निकालने को बोलेंगे, वो बोलेंगे 2 और 16 के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन निकालो, 10 अरिथमेटिक मीन निकालो। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझने से पहले आप पहले ये चीज समझ लो जो मैं बताने लगा हूं, वो क्या है कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर अगर एपी के अंदर हो, अभी मैंने काफी ज्यादा नंबर देखे हैं, ये जनरलाइज लैंग्वेज में बुक ने बात की है, मैं उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं पहले आपको इजी रख के समझाता हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई 5 6 नंबर एपी के अंदर लेट करो, फॉर एग्जाम्पल 3 8 13
अच्छा तो एक और हम कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 28। अगर आप देखो तीन, ये छह नंबर हैं जो अरिथमेटिक मीन के अंदर हैं, तो जब तीन नंबर सॉरी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर, जब तीन नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर होंगे तो आप बोलोगे दरमियान वाला नंबर जो है ना वो अरिथमेटिक मीन है। लेकिन अगर तीन से ज्यादा नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 10 नंबर लिखे हुए एपी के अंदर या 50 नंबर लिखे हुए एपी के अंदर, तो अब आप अरिथमेटिक मीन किसको बोलोगे? तो पहला और आखिरी इनके दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो सब अरिथमेटिक मीन कहलाए जाएंगे। दोबारा बताता हूँ, इफ मोर देन 3 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर्स अगर एपी के अंदर मौजूद हैं, तो पहला और आखिरी को छोड़ के दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको आप बोलोगे कि ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन पहला और एंडिंग। क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या, क्यों हम इस तरह बोल रहे हैं? उसकी वजह यह है कि दरमियान के जो सारे नंबर्स हैं अरिथमेटिक मीन है। कैसे? आप इन 3 नंबर्स का, फॉर एग्जाम्पल इन 3 नंबर्स को पिक करो, 3 और 13 को ऐड करो क्या आएगा? 16, 16 को 2 से डिवाइड करो 8 आ जाएगा। इसका मतलब 8 जो है वो एवरेज है, मीन है जिसको आप बोलते हो। इसी तरह अब आप इन 3 नंबर्स को पिक करो, 8 और 18 को ऐड करो 26, 26 को 2 से डिवाइड करो 13, तो 13 भी इसका मतलब अरिथमेटिक मीन है। इसी तरह आप इन 3 को पिक करो, 39 आएगा, नहीं सॉरी 36 आएगा, 2 से डिवाइड करना 18। इसी तरह इन 3 नंबर्स को पिक करो, 18 और 28 को ऐड करो, ये हो जाएगा 46, 46 को 2 से डिवाइड करो 23। तो दरमियान वाले सब नंबर को एवरेज या अरिथमेटिक मीन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो एवरेज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अगर आप इन 3 को पिक करो दरमियान वाला एवरेज है। अब देखो ये एवरेज नहीं बन सकता क्योंकि इसके इस तरफ कोई नंबर नहीं है। अब इसको कैसे एवरेज आप बनाओगे? एवरेज बनाने के लिए इस तरफ भी कोई नंबर होना चाहिए ना। तो कॉन्सेप्ट वही है कि 3 नंबर अगर एपी में होते हैं, दरमियान वाला नंबर अरिथमेटिक मीन है ना, तो आप इन 3 को पिक करो ये अरिथमेटिक मीन, इन 3 को करो ये, इसी तरह ये भी आएगा ये भी आएगा। आखिरी वाला और पहला वाला जो है वो एवरेज बन नहीं सकता क्योंकि आपको दरमियान में नंबर चाहिए होगा, तब आप बोलोगे कि एवरेज है इसका या अरिथमेटिक मीन है इसका। ठीक है, तो जनरलाइज लैंग्वेज मैंने क्या बोला है कि देखो पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इसके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब क्या है? अरिथमेटिक मीन है, जिसको मैंने नोटेशन में लिखा कैपिटल ए से, कि A1 पहली अरिथमेटिक मीन, A2 दूसरी अरिथमेटिक मीन, A3 तीसरी अरिथमेटिक मीन, अप टू AN। अब एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एन की जगह मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, उसका मतलब 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हो गई है। अगर एन की जगह 20 लिख दूँ, उसका मतलब 20 अरिथमेटिक मीन है। तो जनरलाइज लैंग्वेज में बात किया है कि अगर ये सब नंबर एपी के अंदर हैं, तो दरमियान वाले सारे नंबर, देन दरमियान वाले नंबर कौन कौन से? A1, A2, A3 अप टू AN, ये सब हैं आर एन अरिथमेटिक मीन। अब मुझे नहीं पता ना एन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एन यहाँ पे 9 है, इसका मतलब 9 अरिथमेटिक मीन है 1 से लेकर 9 तक। तो मैंने जनरलाइज लैंग्वेज में बात की कि एन अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड D। तो मैं समराइज करता हूँ, फिर किसी को सवाल हो तो पूछ लेना कि भाई अगर आपको किसी भी दो सवाल किस तरह पेपर में आता है, कॉन्सेप्ट तो मैंने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको बोला जाएगा कि यार दो नंबर्स हैं इनके दरमियान आप एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो सिंपल आप क्या करोगे, इन दो नंबर्स को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे और आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। दूसरा सवाल इस तरह आ सकते हैं कि भाई अगर आपके पास दो नंबर है और आपको बोले कि एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि 2 और 16 के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो या 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। और इसमें फॉर्मूला क्या होगा? जैसे इसमें तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया ना, एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको ज्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करनी है, 5, 6, 7 अरिथमेटिक मीन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए जस्ट आप कॉमन डिफरेंस याद रख लो। ये जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, ये अरिथमेटिक मीन के दरमियान कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। अगर आप अरिथमेटिक मीन के दरमियान कॉमन डिफरेंस निकाल लो ना, तो आप ये सब अरिथमेटिक मीन निकाल सकोगे। वो जब सवाल आएगा तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा ये बात। अभी बस फॉर्मूला नोट कर लो, बुक में डेरिवेशन भी लिखी हुई है इसकी, शौक हो तो देख लेना, छोटी सी डेरिवेशन है। तो ये कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपके पास जितनी भी अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करनी हो ना, 5, 6, 7 जितनी भी करनी होगी, सब आसानी से इंसर्ट हो जाएंगे। बस कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना। और आखिरी बात फिर पूछना कोई सवाल हो तो, ये एक एमसीक्यू पेपर में आया भी है कि अगर आपको बोला जाए ना ये इन सब टर्म्स को देखो, तो कोई स्टूडेंट बता सकता है इसके अंदर टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? N+2। एक्सीलेंट, N+2। कैसे? क्योंकि देखो N तो अरिथमेटिक मीन है ना, टोटल अरिथमेटिक मीन कितनी है? N अरिथमेटिक मीन है। उसके बाद एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, तो देखो N अरिथमेटिक मीन है और इसके अलावा दो और टर्म है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि इस पूरी एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो आप बोलोगे देयर आर N+2 टर्म्स। N अरिथमेटिक मीन है और A और B यहां पे दो टर्म्स और हैं।
अब एन क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पांच अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए तो फाइव के अंदर टू ऐड कर दो, इसका मतलब टोटल जो है वो सेवन होंगे। जैसे इसमें अगर आप देखो कितनी अरिथमेटिक मीन है, चार अरिथमेटिक मीन है, एक ये और एक ये, तो टोटल इसके अंदर कितनी टर्म थी? छह टर्म थी। तो इस तरह ये एमसीक्यूज भी आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो ये मजीद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालनी है, क्या आपको प्रोसेस करना है। 4.3 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है? फाइंड द ए एन बिटवीन। वही सवाल जो अभी आपको मैंने बताया था कि अरिथमेटिक मीन निकालो बिटवीन दो नंबर। तो जब आपको बोले ना फाइंड द अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब एक ही अरिथमेटिक मीन आपको निकालनी है। तो कोई भी एक पार्ट पिक कर लेते, फॉर एग्जाम्पल एंड के दो पार्ट को स्किप कर दो, पार्ट नंबर वन के फाइव और सिक्स को स्किप कर दो, फालतू में ए बी सी करके उन्होंने लिखा हुआ है। शुरू के चार पार्ट को ट्राई कर लो, पार्ट नंबर थ्री भी कर सकते हो, थोड़ा सही है। पार्ट नंबर फोर मैं करवा देता हूँ, उसमें इमेजिनरी भी है ना थोड़े। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फोर, दो नंबर कौन से? एक है 5 + 7√5 iota और एक है 8 - 7√5 iota। ये सवाल एमसीक्यूज में आता है, पेपर में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन मालूम करने का? फॉर्मूला है a+b/2। पहला नंबर जो है इसको आप बोलोगे ए, जो दूसरा नंबर है उसको आप बोलोगे बी। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 + 7√5 iota + 8 - 7√5 iota और डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये दो टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पीछे बचेगा 5 + 8 जो कि होता है 13/2। अगर आप पॉइंट भी लिखना चाह रहे हो तो 6.5, तो 6.5 अरेथमेटिक मीन आएगी। अब अगर आप कंडीशन चेक करना चाह रहे हो यहाँ पे कर सकते हो। कंडीशन क्या थी कि जब आप अरेथमेटिक मीन निकालते हो तो एपी बना रहे होते हैं ना, तो ये एक एपी बन रही होगी। अगर आप चाहो तो एपी यहाँ पे क्या होगी? ये एपी होगी। पहली टर्म ये होगी, दूसरी टर्म है 6.5 जिसको 13/2 भी लिख सकते हो, और तीसरी टर्म है 8 - 7√5 iota। ये दो नंबर्स थे, इसके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन थी वो आपने निकाल ली। अब अगर आप कंडीशन चेक करोगे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अभी आप लोग चेक करके देख लेना, कैलकुलेटर भी है आप लोगों के पास। कंडीशन क्या थी कि अच्छा ये काम आपको नहीं करना एमसीक्यूज में, बस आपको अरिथमेटिक मीन ही निकालनी होती है। ये मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ कि जो अरिथमेटिक मीन आती है ना, अगर आप उसको दरमियान में लिखोगे तो पूरी अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही होती है वो। तो जरा डिफरेंस निकाल के देख लेना, 6.5 - ये वाली टर्म, देखना ये पूरी चीज बराबर होगी, इक्वल होगी ये वाली टर्म -6.5। ओके, मैं शायद करके भी दिखा सकता हूँ, ये इजी है। हाँ सिंपल हो जाएगा, 6.5 - 5 ये हो जाएगा 1.5, और माइनस इस टर्म से करो ये हो जाएगा -7√5 iota। इसी तरह 8, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि जो रियल नंबर है उनको आपस में करते हो ना, तो 8 - 6.5 ये हो जाएगा 1.5, दरम्यान वाला वहां पे देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म जो है ये एपी के अंदर है। तो अगर चेक करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो। एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह कर लोगे आप। अच्छा अब जो आगे क्वेश्चन है ये एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एग्जैक्ट सेम किस्म के क्वेश्चन है। 2 में आपको 3 अरिथमेटिक मीन, 3 में आपको 4 अरिथमेटिक मीन, 4 में आपको 5 अरिथमेटिक मीन और 5 में आपको 6 अरिथमेटिक मीन निकालनी है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 ही करवा देता हूँ, सबसे बड़ा वही है। जब 5 कर लिए तो फिर क्या मसला होगा? या चलो मैं आपको 4 करवा देता हूँ, 4 की वैल्यूज थोड़ी मुश्किल है तो हो सकती है। तो 4 और 5 में ऐसे फर्क नहीं है, 4 में 5 निकालनी है, 5 में 6 निकालनी है। तो मैं 4 का क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो थोड़ा देखने में वैल्यूज उसकी खतरनाक है। तो आपको बोला हुआ सवाल क्या है? इंसर्ट करो, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √5/2 एंड 4√5। अब इसमें आप डाटा किस तरह बनाओगे? सबसे पहले आपको डाटा ये पता होना चाहिए कि ए यहाँ पे क्या है, पहली टर्म यहाँ पे क्या है 2, और ये दूसरी टर्म जो थी ये बेसिकली आखिरी टर्म होती थी ना, इनके दरमियान आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे ना, तो ये बिल्कुल आखिरी है और ये पहली है। तो आखिरी वाली टर्म को आप यहाँ पे बी का नाम देते हो, ठीक है, और एक एन भी आपको पता होना चाहिए, एन यहाँ पे क्या है 5 है। अच्छा अब जरा गौर करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, वो मैं अभी अप्लाई भी करने लगा हूँ, ये वाला फॉर्मूला। ये मैंने बताया था अरिथमेटिक मीन के दरमियान कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में एन आता है। ये जो एन है ना, नॉर्मली आप अभी तक अरिथमेटिक सीक्वेंस आपने पढ़ा उसमें जो आपको एन नजर आता है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म सीक्वेंस के अंदर, नंबर ऑफ टर्म। यहां पे जो एन है ना, ये नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है। इस वाले एन को आपने क्या लेना है? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन।
वैसे अगर आप देखो, अगर आप इसके दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 होंगे इसके अंदर, लेकिन एन आप 7 नहीं पुट करोगे, एन आपने वो पुट करना है जितनी आपको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करनी है। तो आपको 5 इंसर्ट करनी है तो मैंने यहाँ पे एन 5 लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, यहाँ पे बी क्या है 4√5/2 माइनस ए क्या है 2√5/2। नहीं यार ये 2 नहीं आ रहा, मैं भी कह रहा हूँ यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, बी तो 4√5 है सिंपल, तो ए यहाँ पे है √5/2 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, एन यहाँ पे 5 है, 5+1 हो जाएगा ये। अच्छा जी, किस तरह सॉल्व करोगे? दो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है तो फिर इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे सॉल्व करते हो? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 आता है, 6 माइनस 1 5, 5/3 आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट वही काम करो, 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, माइनस कर दो √5 से, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 8√5, 8√5 माइनस करो √5 से, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा 2। जैसे यहाँ डिवाइड में क्या आता था, अगर आप सॉल्व करो ये चीज आएगी ना 6 माइनस 1/3, मतलब एलसीएम जो होता है, तो 2 को इससे आपने मल्टीप्लाई किया माइनस के √5 से, और नीचे एलसीएम क्या होगा 2 के बराबर होगा, और जो आपका डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो क्या है 5+1 6। फ्रैक्शन का रूल होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/3 को डिवाइड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 5 से, तो फ्रैक्शन का रूल होता है कि जो न्यूमिनेटर में अगर एक फ्रैक्शन आ रही है जो उसका डिनोमिनेटर है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो ये हो जाएगा 1/15। प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज समझ नहीं आई होती, इसको पूछे बच्चे पूछ रहे होते सर ये कैसे होगा, भाई पहले ये समझ लो, अगर ये समझ आ गया तो वो भी हो जाएगा। तो अगर न्यूमिनेटर में एक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में जस्ट एक नंबर लिखा हुआ है, तो जो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले डिनोमिनेटर। एग्जैक्ट वही काम करो, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, अच्छा जी 8√5 - 5 हो जाएगा 7√5, और नीचे 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो 12, ये आपके पास डी आ गया। इस डी का मतलब अरिथमेटिक मीन के दरमियान कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया। अब इसका फायदा आपको कैसे होगा? आप सारी अरिथमेटिक मीन निकाल लोगे, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपके पास डी आ जाए आप सब अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। कैसे? कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देखो शुरू की ये पहली टर्म है और ये आखिरी टर्म है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ √5/2 पहली टर्म है, इसके दरमियान आपने कितनी इंसर्ट करनी है? 5 इंसर्ट करनी है, मतलब a1 a2 a3 a4 a5, ये 5 अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट करनी है, और फिर आखिरी टर्म क्या है 4√5। तो ये कॉन्सेप्ट है असल में, ये पूरी जो टर्म्स होंगी ना ये एपी के अंदर होंगी, सही। तो दरमियान की जो 5 है ना अरिथमेटिक मीन, ये आपको निकालनी है। अब कैसे निकालोगे आप? देखो ये जो पहली अरिथमेटिक मीन है ना, ये असल में सीक्वेंस की दूसरी टर्म है। अगर आप देखो सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है, पहली अरिथमेटिक मीन, तो जो यहाँ पे आपको पहली अरिथमेटिक मीन नजर आ रही है ना वो हकीकत में सीक्वेंस की दूसरी टर्म है। तो अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप एपी को लिखते थे कैसे लिखते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म को a a+d a+2d यही लिखा करते थे ना, एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। लेकिन मैं आपको ये वाले फॉर्मूले नहीं दिखवा रहा, मैं आपको सिंपल एक इजी हल बता रहा हूँ जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के डेफिनेशन में आपने पढ़ा था। वो क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी थी? कि अरिथमेटिक में हर आने वाली टर्म कैसे आती है, कि आप प्रीवियस टर्म में डी ऐड करते हो, इसमें आप डी ऐड करो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसमें डी ऐड करो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसमें डी ऐड करो A3 आ जाएगा, करते करते ये सब चीजें होंगी। तो जस्ट आपने क्या करना है, पहली अरिथमेटिक मीन में आप क्या करोगे, जो इससे पहले वाली टर्म होगी ना उसके अंदर डी ऐड कर दोगे। सबसे पहले वाली टर्म क्या है √5/2, इसके अंदर आप जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हो तो आप इस तरह लिख सकते हो कि जो पहली टर्म है उसके अंदर आप यहाँ पे डी ऐड कर रहे हो। कैसे ऐड करोगे? पहली टर्म है √5/2 और डी है यहाँ पे 7√5/12। अब इन दो फ्रैक्शंस को सिंपल सॉल्व करने का एक तो है ना एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 आ रहा है। मैं वैसे अगर वर्बली मुझे सॉल्व करना हो तो मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि मैं इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ। कैसे? मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6√5। तो 6√5/12 7√5/12, तो डिनोमिनेटर तो 12 हो जाएगा, 6√5 और 7√5 ये हो जाएगा 13√5। मैं जब दो फ्रैक्शन को ऐड करता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं उनका डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ। कि बचपन में आप लोग तरीका पढ़ते थे दो फ्रैक्शन को ऐड करने का कि डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, और फिर जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया वो आप लिखो, और जो न्यूमिनेटर है उनको आपस में ऐड कर दो। अगर ये तरीका समझ आता है सही है, बाकी जो आपने तरीका अभी तक पढ़ा है वो भी अप्लाई कर सकते हो, मैं इस पर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा। अब आ जाओ दूसरी अरिथमेटिक मीन।
ये जो दूसरी अरिथमेटिक मीन है ना, इसको कैसे निकालोगे? जो इससे पहले वाली टर्म है उसके अंदर डी ऐड कर दो। तो ये दूसरी अरिथमेटिक मीन से पहले वाली टर्म क्या है? ए वन, इसके अंदर आप डी ऐड कर दो। बस सिंपल अरिथमेटिक की हमने यही पैटर्न पढ़ा था कि जो पहले वाली टर्म है उसके अंदर आपने फिक्स नंबर ऐड करना है जिसको आप यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट करते हो। तो ए टू निकालने के लिए मैं ए वन के अंदर डी ऐड कर दूंगा। ए वन यहाँ पे क्या है? 13√5/2, और डी यहाँ पे क्या है? 7√5/12। अगेन वही मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 26, 52, और मैथ वीक है यार मेरी थोड़ी, 78 आएगा। हाँ, तो 78 के अंदर 7 ऐड करो तो ये हो जाएगा 85√5/12। जरा वेरीफाई भी करते जाना सब यार कि मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी अर्थमेटिक मीन निकालो। कैसे निकालोगे? तीसरी कैसे आएगी? दूसरी के अंदर आप डी ऐड कर। तो ए टू के अंदर आपने डी ऐड किया, ए टू है 85√5/2, सॉरी नहीं यार गलती होगी यहाँ पे, गलती गलती यहाँ पे 12 था। तो आप थोड़ी देर तभी कह रहे कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, मैं इसमें 12 आ रहा था, जो पहली अर्थमेटिक मीन थी ना उसका डिनोमिनेटर 12 था। इसके अंदर आपने डी ऐड करना है, डी के डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 12 है, तो नीचे 12 आ जाएगा, 13 और 7 को ऐड करो ये हो जाएगा 20√5। इसी तरीके से दूसरी अरिथमेटिक मीन क्या आई है आपके पास? 20√5/12, इसके अंदर अगेन ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस। तो अब क्या आंसर आ जाएगा? 20+7 ये हो जाएगा 27√5। और मैं ख्याल में आप लोग समझ गए, मैं फाइनल आंसर अब लिख देता हूँ, A4 और A5। फॉर्मूले बना लेना इसके, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A3+D, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A4+D। तो चौथी अरिथमेटिक मीन क्या होगी? सिंपल, इसके अंदर डी ऐड करो, 27 के अंदर 7 तो ये हो जाएगा 34√5/12, और इसका आंसर आ जाएगा 7 ऐड करो 41√5/12। तो अगर आप देखो ये आपके पास पांच अरिथमेटिक मीन आ गई है। तो एंड, जब ये पांच आ जाए तो एंड पे लिखना आप हेंस। सर, ए टू में 20 और 12 तो डिवाइड हो जाएंगे ना? 22, हाँ कर सकते हो आप, लेकिन मसला पता क्या होगा? एडिशन करते हुए थोड़ा मसला होगा। आप अगर चाहो तो इसको किससे, 4 से कैंसिल कर सकते हो ना, ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 और 3 आ रहा होगा, फिर इनको ऐड करने में ना थोड़ा मसला होगा, फिर वही आप डिनोमिनेटर सेम करके ऐड करोगे। तो बेहतर है यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन करो, इसी तरह ये भी कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन करो जो फाइनल आंसर लिखो ना उसके अंदर सिंप्लीफाई कर लो, ना भी करो ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन करना चाह रहे हो तो फाइनल में कर लो, यहाँ पे करोगे तो फिर वो दोबारा ऐड करने में ना थोड़ा मसला होगा। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं आसानी से न्यूमरेटर ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर आता जा रहा है। तो जब एंड पे लिखो ना तो उसमें आप सिंप्लीफाई कर लो, कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, जब ये सब आ जाए तो एंड पे आप लिख देना हेंस एपी इज, जो आपके पास एपी पांच अरिथमेटिक मेन इंसर्ट करने के बाद जो आपकी एपी बन रही है ना वो क्या बनेगी? यहाँ पे पहली टर्म है 2√5/2, दरमियान की टर्म को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, पहली अरिथमेटिक मीन निकाली थी आपने 13√5/12, दूसरी आप अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब ये हो जाएगा 5/3, 5√5/3। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो? 27√5/12, चौथी अरिथमेटिक मीन थी, इसको 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 17/6, 17√5/6। फिर बाकी मैं नीचे लिख देता हूँ, पांचवी है 41√5/12, और बिल्कुल आखिरी टर्म क्या है? 4√5। तो पांच अरिथमेटिक मीन भी आपने इंसर्ट कर दी, आपका सवाल तो यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, आपको असल में पांच अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करनी थी, असल में तो आपको ये निकालना है, लेकिन बेहतर है असल था ना कि इंसर्ट करो, तो आपने इंसर्ट करके भी दिखा दी कि इन दो नंबर्स के दरमियान आपने पांच अरिथमेटिक मीन जो है वो इंसर्ट कर दिया। अब अगर आप चेक करना चाह रहे हो आपका आंसर ठीक है नहीं, आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, इन दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस जो है वो ये आ रहा होगा, चेक कर लेना, इसी तरह इनके दरमियान भी आ रहा होगा, इस तरह आप सिंप्लीफाई करना चाहो, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये सवाल है बच्चों, इसके चार क्वेश्चन उन्होंने लिखे हैं, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 आप लोग को ट्राई कर लेना। देखो कोई नया फॉर्मूला आपने याद नहीं किया, बुक में वैसे फॉर्मूले लिखे हैं अरिथमेटिक मीन को निकालने के, अलग अलग पूरे फॉर्मूले, कोई जरूरत ही नहीं है, आपने बस कॉमन डिफरेंस निकालना, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यूज करना जो अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, बस वो आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में बोला हुआ है इफ 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी। आपको बोला हुआ है कि सी और डी के दरमियान जो दो अरिथमेटिक मीन है ना वो आपको दे दिए 5 और 8, और आपसे पूछ रहे हैं सी और डी निकालो, मतलब कोई दो नंबर है
जिनको उन्होंने जनरलाइज बोला है कि दो नंबर है सी और डी, इनके दरमियान जो दो अरिथमेटिक मीन है ना वो 5 और 8 है, ये कंडीशन है, और आपको बोला है सी और डी निकालो। मतलब पहले आप अरिथमेटिक मीन निकालते थे ना, अब आपको अरिथमेटिक मीन दे दिए, जो एंड पहला और एंडिंग का जो नंबर है ना वो अब आपको निकालना है सी और डी। ठीक है, तो इसको हम एपी में कैसे लिख सकते हैं, गिवन एपी इज, एपी में कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग नंबर है सी, दरमियान में दो अरिथमेटिक मीन आपको गिवन है 5 और 8, और एंडिंग नंबर है डी। असल में ये आपके पास मौजूद है कि दो अरिथमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी, तो दो अरिथमेटिक मीन सी और डी के दरमियान, और आपको क्या निकालना है, चाहो तो आप लिख सकते हो वी हैव टू फाइंड सी एंड डी, आपको सी एंड डी जो है वो यहां पे मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे भाई, याद रखो जब दो अननोन हो तो दो इक्वेशन चाहिए, सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन से आप दो अननोन मतलब सी और डी निकाल सकते हो। अब यहां पे इक्वेशन कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। यहां पे कॉमन डिफरेंस आपको वैसे नजर आ रहा है भाई, देखो जो कॉमन डिफरेंस इन दो अरिथमेटिक मीन के दरमियान होगा वही कॉमन डिफरेंस बाकी टर्म्स के दरमियान भी होगा। आपने पढ़ा है अगर ये तीनों एपी के अंदर है, चारों टर्म्स एपी के अंदर है, तो इन दो के दरमियान डिफरेंस, इन दो के दरमियान डिफरेंस और इन दो के दरमियान डिफरेंस सेम ही होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो वो डिफरेंस एक फिक्स रहेगा। अब अगेन ये वाला डी और यहाँ पे जो मैं डी यूज कर रहा हूँ इन दोनों में फर्क होगा, मैं जो यहाँ पे डी यूज कर रहा हूँ वो कॉमन डिफरेंस का डी है, जबकि यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है रैंडम अननोन है। अगेन बुक वालों ने कंफ्यूज कर दिया, तो इसको आसानी से क्या बोल सकते थे, एक्स और वाई, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब ये वाला डी और ये वाला डी बच्चे मिक्स कर देंगे, सेम चीज है तो अलग अलग चीज है, ये वैसे ही किसी एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाला डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है जो एपी के दरमियान होता है। तो सिंपल कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, इन दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है 5 माइनस सी, इन दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 5 जो कि 3 के बराबर है, और इन दो टर्म्स के दरमियान क्या है d-8, यही है ना। अब आपको पता है एपी में क्या होता है, इन एपी आपको पता है ये सारे कॉम ये सब सेम होते हैं, एपी के अंदर ये कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही होते हैं, मतलब 5 माइनस सी बराबर होगा 3 के बराबर होगा d-8 के। अगर ये चीज कंफ्यूज करिए तो मैं आपको जरा अलग बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीज लिखी हुई है, एज्यूम कर लो 1 और 7 यहाँ पे अननोन है, तो अगर आपको बोला जाए ये एपी के अंदर है, अगर आपको बोला जाए कि एपी के अंदर है, तो आपको बताएं इन दो के दरमियान डिफरेंस बराबर होगा, इन दो के दरमियान डिफरेंस के बराबर होगा, इन दो के दरमियान डिफरेंस के, तो देख लो बराबर है। एग्जैक्ट मैंने वही काम किया कि ये एपी उन्होंने सवाल में दी हुई थी, मैंने क्या बोला भाई ये अगर अरिथमेटिक के अंदर है तो इन दो का डिफरेंस, इन दो का डिफरेंस और इन दो का डिफरेंस, ये सब डिफरेंस आपस में बराबर होंगे, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब आप इस कंडीशन पे पहुंच जाओगे उसके बाद आपने क्या करना है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट यूज, अब देखो ये दो इक्वल आ रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, हम दो इक्वल साइन को डील नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग उनको कंसीडर करते हैं। तो ये दो इक्वल के साइन आप किसी तरह एक में कन्वर्ट करो, कैसे आप इसको कैसे लिख सकते हो, कंसीडर सबसे पहले 5 माइनस सी को इक्वेट करवाओ 3 से, और यहां से सी की वैल्यू निकालना, सी क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। फिर आप कंसीडर करो दूसरी इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन क्या है 3 इज इक्वल टू d-8, यहां से आप d निकालो, d यहां पे क्या आ रहा है 11 आ रहा है, सवाल आपका कंप्लीट। c की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू यहां पे 11 आ गई, तो अगर आप देखो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, c की जगह पुट कर दो 2, 5 8 अपनी जगह पे और d की जगह पुट कर दो 11, तो देखो ये एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 के बराबर है। लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात है कि ये सवाल आप लोगों ने पेपर में इस तरह नहीं करना। ये क्या बात हुई सर, इस तरह इसलिए नहीं करना क्योंकि तरीका जो है ना ये है तो वैसे अरिथमेटिक का ही, लेकिन मजा नहीं है इस तरीके के अंदर, इसलिए नहीं, कोई मिस्टेक निकाल सकता है, अगर सवाल 4-5 नंबर के अंदर आ गया तो मिस्टेक निकाल सकता है। उसकी वजह है कि आंसर तो आपने ठीक निकाले, लेकिन ये समझ लो बुक का मेथड नहीं है, ये बुक के मेथड में आप अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले से आपने हर चीज निकालनी थी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि पेपर में करो आप लोग। उसकी वजह है कि मैं बहुत डरा हुआ होता हूँ, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है मैं वैसे भी मैं कॉलेज का टीचर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता उनकी माइंड क्या होता है हर चीज का, तो मैं बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों वो मेथड करो जो बुक वाला है, ताकि अगर 100 चक्कर में से कोई एक भी आपका चेक करे ना तो वो गलती ना निकाले। यहाँ पे कोई कह सकता है कि यार ये तो अरिथमेटिक मीन का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया आपने, आपने तो डायरेक्ट एपी बना के और सी और डी निकाल दिए, तो बड़ा इजी सवाल कर दिए।
दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तरीका पेपर में करो, करवा इसलिए दिए कि थोड़ा इजी तरीका है, मेरे जहन में आया था मैंने थोड़ा इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करना नहीं। तो अब करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सवाल तो आपने समझ लिया, हर कंडीशन आपने समझ ली, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ये नहीं करना। क्या करोगे, ये वाला तरीका कर लेना, जो एपी वाला, जो अरिथमेटिक मीन वाला तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि सी और डी के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर आपको तो पता है ना 5 और 8 है, अगर आपको बोला जाए निकालो तो आपकी अरिथमेटिक मीन क्या होती है, सी ए वन ए टू डी, तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। सी और डी के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन आपको निकालनी है ना, तो पहली अरिथमेटिक मीन को आप ए वन बोलो, दूसरी को ए टू बोलो। अब सवाल में ए वन और ए टू की वैल्यू आपको दी हुई है, पहली अरिथमेटिक मीन 5 है और दूसरी अरिथमेटिक मीन 8 है, ये आपको दी हुई है। आप यहाँ पे इनके फॉर्मूले यूज करो, कैसे अरिथमेटिक मीन आप निकालते थे कॉमन डिफरेंस निकाल के, कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला था, बी क्या होता था जो आखिरी टर्म है और ए क्या होता था जो पहली टर्म है, एन क्या है यहाँ पे दो अरिथमेटिक मीन है 2 + 1 3 के बराबर होता है। तो आपने क्या किया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, जैसे आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया ना, अब आप पहली अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे, पहली अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या था कि जो पहली टर्म है उसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, सॉल्व करो ये हो जाएगा 3c + d - c, और पहली अरिथमेटिक मीन सवाल में दी हुई है, पहली अरिथमेटिक मीन क्या थी 5, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने 5 पुट कर दिया, ये क्या हो जाएगा 2c + d = 3, सॉल्व करो तो एक इक्वेशन आ रही है ये वाली, इसको आप 1 बोल दो। तो मैंने कहा था अरिथमेटिक वाले तरीके से निकालो तो सवाल थोड़ा ढंग का है, वरना बड़ा इजी बन जाएगा सवाल ये। सेम दूसरी अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालते हो, जो पहली अरिथमेटिक मीन आई होती है ना उसके अंदर डी ऐड करते हो, तो ए वन के अंदर आप डी ऐड कर दो, ए वन क्या है 2c + d / 3, इसके अंदर आप ऐड कर दो डी, कॉमन डिफरेंस क्या है d - c / 3, तो सॉल्व करो क्या हो जाएगा 2c और - c ये c हो जाएगा, d + d हो जाएगा 2d, ये दूसरी अरिथमेटिक मीन, और सवाल में दूसरी अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो इसको सॉल्व करो एक इक्वेशन आ जाएगी c + 2d = 11, इसको आप बोल दो दूसरी इक्वेशन, ये तुम लोग बता तो दो, मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ 8 के अंदर, तो यहाँ पे 24 आएगा, ये मिस्टेक है। खैर तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3d और यहाँ पे हो जाएगा 15 - 48 हो जाएगा -33 के, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 11 आ जाएगी। इस डी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में फॉर एग्जांपल पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, 2c की वैल्यू आ जाएगी 4 और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। इस तरीके से आप पेपर में करना, सी और डी आपके पास आ जाएगा, सवाल आपका कंप्लीट है। ये जो मेथड है ना, ये अरिथमेटिक मीन वाले मेथड से आपने इसको सॉल्व किया, जबकि ये था तो आपने ये एमसीक्यू लेवल का सवाल है लिटरली, अगर आप एमसीक्यू में सॉल्व करो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी क्वेश्चन है, लिखा हुआ क्या है कि फाइंड एन, आपको यहाँ पे एन निकालना है, सो दैट एक फ्रैक्शन लिखी हुई है मे बी द ए एम बिटवीन ए एंड बी, मे बी नहीं है, मे बिकम था, ये पुरानी बुक में मे बिकम था, मे बी कहां से आ गया दरमियान में, तो आपको एन निकालना है, ये फ्रैक्शन पूरी कंडीशन क्या है कि ऐसी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो कि पूरी फ्रैक्शन अरिथमेटिक मीन बन जाए ए और बी के दरमियान, ये सवाल आपके पास है। अब क्या मतलब है इसका जरा बताता हूँ आप लोगों को, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे एन निकालना है, पहली चीज जो है ये एन निकालना है और कंडीशन क्या गिवन है, सॉल्यूशन ये स्टार्ट कर दो, सॉल्यूशन क्या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि आपने ऐसा एन निकालना है कि ये पूरी फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन, ये वाली, कि पूरी फ्रैक्शन अरिथमेटिक मीन बन जाए ए और बी के दरमियान। आपको पता है ए और बी के दरमियान जब आप अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो फॉर्मूला क्या है, ए और बी के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2, असल में ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी एन की वैल्यू पुट करो आप यहां पे कि जो पूरी फ्रैक्शन है ये अरिथमेटिक मीन बन जाए ए और बी के, मतलब ये पूरी फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाए, ए प्लस बी अपॉन 2 के, क्योंकि अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो आपने कुछ ऐसा एन पुट करना है कि पूरी चीज बराबर हो जाए ए प्लस बी अपॉन 2 के। अब ऐसा एन आप कैसे पुट करोगे, उसकी सारी मेहनत है वो जरा देख लो यहाँ पे, ये सवाल आपको ज्योमेट्रिक मीन में भी नजर आएगा, ये सवाल आपको हार्मोनिक मीन में भी नजर आएगा, तो ये एक ही कॉन्सेप्ट है, वहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन के बराबर रखोगे और फिर हार्मोनिक मीन के बराबर रखोगे। तो देख लेते हैं क्या करना है, एन निकालना है आपको किसी तरह, आप एन कैसे निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करो पहले दोनों टर्म से,
दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए को आप इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए एन प्लस फोर। उस तरह करूं या ना करूं, इसे कर देते हैं। चलो कैसे कह रहा हूं मैं, इन दो टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी से। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वरना एक स्टेप आप लोग लिख सकते हो कि ए प्लस बी को लिखो, फिर इसको लिखो और नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कि जब ये दोनों टर्म इधर जाएंगी और ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये पहली टर्म जब ए से मल्टीप्लाई होगी, ए की पावर एन प्लस फोर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो क्या आंसर आएगा? ए की पावर एन प्लस फोर मल्टीप्लाई ए, ए की मतलब पावर यहाँ पे वन है, तो बेसिस सेम है, पावर आपस में एड हो जाएंगी, तो क्या आंसर आएगा इसका? ए की पावर एन प्लस फाइव। तो जब आप ए की पावर एन प्लस फोर को ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आ जाएगा ए की पावर एन प्लस फाइव। फिर आप इस वाली टर्म को बी से मल्टीप्लाई करो, तो एज इट इज आ जाएगी। फिर ए की पावर, सॉरी ये बी है, फिर आप बी की पावर एन प्लस फोर को ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर एन प्लस फोर, और बी की पावर एन प्लस फोर को बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा बी की पावर एन प्लस फाइव। ये सिचुएशन बन जाएगी। अब देखो एन प्लस फाइव की टर्म यहां पे भी है और यहाँ भी, यहाँ पे टू है और यहाँ पे सिंपल वन है ना, तो जब इस वाली टर्म को इधर आके सब्ट्रैक्ट करवाओगे, तो ये टू है ना, अब टू हट जाएगा, मतलब टू ए की पावर एन प्लस फाइव, और जब ये इधर आएगा तो नेगेटिव ए की पावर एन प्लस फाइव हो जाएगा। तो इसको इधर लाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंपल ए की पावर एन प्लस फाइव बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे है टू बी की पावर एन प्लस फाइव, और यहाँ पे है बी की पावर एन प्लस फाइव, जब इक्वेशन के इस तरफ लाओगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और पीछे बच जाएगा बी की पावर एन प्लस फाइव। राइट हैंड साइड पे क्या बच गया? एक तो ये वाली टर्म, पहले इस टर्म को लिख लेते हैं ए बी की पावर एन प्लस फोर, और ये वाली टर्म बच गई बी ए की पावर एन प्लस फोर। ये आपकी इक्वेशन फिलहाल सिंप्लीफाई हुई है। आपकी किसी तरह कोशिश है कि एन आ जाए, ये एन लाने का मेथड जो है ना, ये आप लोग इसी तरह का देख लो, बाकी सवालों में भी आप यही काम करोगे जब वो ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन का आएगा। किस स्टेप के बाद आप क्या करो, किसी तरह देखो कॉमन लेना है आपने। अब यहाँ पे देखो एन प्लस फोर है, जबकि यहाँ पे एन प्लस फाइव है, तो आप क्या करो इसको तोड़ दो। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह ए की पावर एन प्लस फाइव को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई ए की पावर एन प्लस फोर, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इसको दोबारा सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आ रही होगी। इसी तरह बी की पावर एन प्लस फाइव को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी मल्टीप्लाई बी की पावर एन प्लस फोर, और जो राइट हैंड साइड है उसको तो आप एज इट इज कॉपी कर दो। उसके बाद आप क्या करो कि ए की पावर एन प्लस फोर और यहाँ पे भी ए की पावर एन प्लस फोर है, इस वाली को इधर ले आओ आप, तो ये तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। इस वाली टर्म को जब इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह ए बी की पावर एन प्लस फोर यहाँ पे मौजूद है, ये भी बी की पावर एन प्लस फोर है, इसको इधर ले आओ। इस स्टेज के बाद अब आप कॉमन लेने की पोजिशन में आ गए हो, जैसे ही आप कॉमन लोगे आपका सवाल जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा अगर आप देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर एन प्लस फोर, तो कॉमन ले लो, ए की पावर एन प्लस फोर आपने कॉमन ले लिया, इस वाली टर्म से बचेगा ए और इसमें से बचेगा माइनस बी। इसी तरह इन दोनों टर्म से बी की पावर एन प्लस फोर कॉमन ले लो, यहां से बचेगा ए यहां से बचेगा माइनस बी। क्रॉस मल्टी कैंसिल भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, इस तरीके से वन टाइम जाएंगे ना। कैंसिल करने के बाद जब आप इसको बी को इधर डिवाइड करवा दो, तो ए की पावर एन प्लस फोर डिवाइडेड बाय बी की पावर एन प्लस फोर इज इक्वल टू, यहाँ पे वन ही बच जाएगा खाली। अब अगर आप देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है और आपको निकालनी है एन प्लस फोर, अच्छा न्यूमिनेटर पे भी एन प्लस फोर है, डिनोमिनेटर पे भी एन प्लस फोर है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो। आप इस तरह लिख सकते हो ए अपॉन बी की पावर एन प्लस फोर। जब आपकी जो अननोन है ना, जो आपको निकालना है, वो पावर के अंदर मौजूद है, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप लॉग लेते हो या फिर आप किसी तरह बेसिस सेम कर लेते हो दोनों तरफ। तो यहाँ पे बेसिस सेम करने वाला तरीका ज्यादा इजी है, यहाँ पे बेस है आपकी ए अपॉन बी, जबकि यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ए अपॉन बी की पावर जीरो। जीरो के अलावा कोई भी नंबर की पावर जीरो आंसर वन होता है, तो किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो आंसर वन होता है, तो वन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक ही बात है, लिखने से फायदा हुआ कि बेसिस सेम हो गई है। तो आपने मैथ में रूल पढ़ा था, अगर इक्वेशन के दोनों तरफ बेसिस सेम हो जाए तो पावर भी आपस में सेम होती है, फिर इसकी पावर है एन प्लस फोर और इसकी पावर है जीरो, यहां से एन की वैल्यू निकालोगे एन की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी। तो आपका मकसद ही ये था किसी तरह कॉमन लें हम,
उसके बाद इस पोजिशन में लेकर आए और फिर बेसिस सेम करके एन निकालना है, वो मकसद हमारा पूरा हो गया।